उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। सर, मानसून सत्र का पहला दिन कैसा रहा? बढ़िया है, शानदार तरीके से माने मुख्यमंत्री लगातार सदन के अंदर हैं। आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष जी का थोड़ा स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद भी शानदार तरीके से सदन को पेश किया है। विपक्ष ने हल्ला मचाने की कोशिश की, पर चूंकि विषय ही नहीं था, कोई विषय ही ऐसा उनके पास नहीं है जिसके ऊपर लेकर शोर शराबा करें, चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे बिजली हो, पानी हो, सड़कें हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सब प्रकार की सुविधाएं, सब प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति लगातार प्रदेश के अंदर हो रही है। सर, नेता प्रतिपक्ष की बात की जाए तो माता प्रसाद पांडे को बनाया गया ब्राह्मण चेहरा लेके आइए, कहा जा रहा था दलित चेहरा होगा नेता प्रतिपक्ष, तो इसको कैसे देखते हैं? अभी तो उनको बधाई देंगे, पहले दिन आज सदन में आए हैं प्रतिपक्ष के नेता के रूप में, हमारी उनको बधाई है, शुभकामनाएं। बजट पेश होगा कल? कल बजट है, शानदार बजट आएगा, वित्त मंत्री जी बजट पेश करेंगे। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश बहुत द्रुत गति से चला है और 2029 तक $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी उत्तर प्रदेश के अंदर हमको बनानी है, उसमें बजट का आना बहुत आवश्यक है। इनकम भी होगी, खर्चे भी होंगे, प्रदेश के अंदर विकास होगा, उसी क्रम में बजट का आ रहा है। आखिरी सवाल, केशव प्रसाद मौर्य जी को लेकर लगातार समाजवादी पार्टी बयानबाजी कर रही है। कोई बयानबाजी नहीं है, मुझको लगता कोई आवश्यकता नहीं उसकी। धन्यवाद। तो देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी थे, जिन्होंने साफ तौर से बताया कि बजट सत्र का जो पहला दिन था वो बेहतरीन रहा, और इन्होंने नेता प्रतिपक्ष को बधाई भी दी। फिलहाल साफ तौर से ये भी कहा मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कि कल जो बजट पेश होगा वो एक संपूर्ण बजट होगा। वीर जनरी हरिराम के साथ महबूत अल्हा, आज की खबर, लखनऊ।